ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास लास्ट इसमें अपन ने क्या देखा था हाइड्रोलोस ऑफ सॉल्ट ठीक है हमने देखे थे देर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट बेसिकली ओके द फर्स्ट सॉल्ट वी सॉ विज सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ओके ये जो सॉल्ट होते हैं ये कैसे होते हैं न्यूट्रल ओके दिज आर द न्यूट्रल सॉल्ट ओके एंड दिज आर बेसिकली मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये इनके एग्जाम्पल है बेसिकली ओके नेक्स्ट जो है दीज आर सॉल्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ओके सो दीज सॉल्स आर बेसिक बेसिक सॉल्स होते हैं अल्कलाइन सॉल्स होते हैं मतलब इनका अगर मैं सोल्यूशन लूँगा तो पी एच इज गोइंग टू बी मोर देन सेवन समझ में है ना पी एच कैसा रहेगा इनका मोर देन सेवन रहेगा ओके फॉर एग्जाम्पल इफ इट एक सोडियम एसिडेट ठीक है सोडियम एसिडिट का अगर मैं सोल्यूशन लेता हूँ सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसिडेट सो दैट सोल्यूशन इज एक्चुअली गोइंग टू बी बेसिक इज नॉट गोइंग टू बी न्यूट्रल, ठीक है उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट सोडियम फॉस्फेट। यहाँ पे तुम देख रहे हो जो कैटायन है ठीक okay, है दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस ओके जैसे एन एच एंड जो अनायन है विच इज़ एसिटेट आयन या कार्बोनेट आयन या फॉस्फेट आयन दिज आर कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड ओके तो जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड लेट आर कमिंग फॉर वीक एसिड सॉरी जैसे कार्बोक्सिलिक सॉरी एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड है ना ये ले लिया या फिर फॉस्फिक फॉस्फरिक एसिड तो ये जो है दीज आर द वीक एसिड्स के सॉल्स है बेसिकली ओके सो दे अना एन दैट इज कमिंग फ्रॉम वीक एसिड कैट दैट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉग एसिड इनका अगर सोल्यूशन लेता हूँ मैं इन सॉल्स का सो दैट सोल्यूशन इज गोइंग टू हैव अ पी एच दैट इज मोर देन सेवन सो इट्स अ बेसिक सोल्यूशन ओके similarly if you have a salts of strong acid and weak base okay strong acid and weak base to ye jo solution rahega ye kaisa rahega acidic rahega matlab ph is going to be less than 7 theek uh, hai तो strong acid और weak base अगर ले रहे हैं अपन तो जैसे ammonium chloride है ना कोई भी strong acid ले लो जैसे H two SO four HCl HNO three के जो strong acid और उनका जो anion part है वो ले लो और उसको कम्बाइन करो विथ वीक बेस वीक बेस कैटायन ओके जैसे ऐसा अमोनियम हो जाता है या पे कॉपर से अलूमिनियम uh, तो एक अमोनियम का एग्जाम्पल सो अमोनिया ये कैसा है ये वीक बेस है ओके okay? और इसको अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ जैसे एच सी एल एच टू एस ओ फोर किसी भी इससे तो अपने को अमोनियम क्लोराइड मिलेगा तो दैट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉग एसिड एंड वीक बेस इसका सोल्यूशन रहेगा एसिडिक ओके एंड देन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ये कैसे रहेंगे इनका सोल्यूशन जो रहेगा इसका आइदर भी एसिडिक और बेसिक ये डिपेंड करता है किसका हाइड्रोलोसिस हो रहा है कैटायन का हाइड्रोलोसिस हो रहा है या अनायन का हाइड्रोलोसिस हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे ध्यान में रखना कि वाई आर दे न्यूट्रो क्योंकि यहाँ पे जो भी कैटायन या अनायन है ओके okay, इस केस में दे डू नॉट हाइड्रोलाइज ओके इनका हाइड्रोलोसिस नहीं होता इसीलिए दे आर गिविंग यू अ न्यूट्रल सोल्यूशन ठीक है हाइड्रोलोसिस नहीं होता या फिर ऐसा क्या बोल सकते हैं इसको अपन कि इनका जो स्ट्रेंथ है दिस आर बेसिकली इक्वल दे इंटरैक्ट इक्वली विथ वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे आर नॉट एक्चुअली गिविंग यू एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन दे आर गिविंग अवट्रल सोल्यूशन ठीक है अब ये जो कैटायन है इनको अपन क्या बोल रहे हैं कि जैसे जो भी uh, कैटायन या अनायन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आर है उसका हाइड्रोलोसिस नहीं हो रहा है समझ में आया क्या दीज कैटायन और अनायंस ओके इसमें कौन से कौन से कैटायन लिखेंगे अपन एनीथिंग दैट कम्स फ्राम स्ट्रॉन्ग बेस तो जैसे क्या हो गया एन ए प्लस हो गया है ना के प्लस हो गया है ना सीजियम uh, प्लस हो गया ओके रुबीडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस तो ये जो आयन्स हैं न मैगनीशियम एक्चुअली मैग्नीशियम इज बिक कैल्शियम ले रहे हैं अपन सो दीज कैटायस दे डोंट हाइड्रोलाइज ओके okay, उसी तरह से अनायंस कौन से जो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे द वंस आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सी एल माइनस बी आर माइनस ओके इवन आई माइनस या एफ माइनस नहीं एफ माइनस का हाइड्रोलोसिस होगा ठीक है दीज आर अनायंस फ्रॉम यूनो एच सी आर एच बी आर एच आई एन उसी तरह से H2SO4 का SO4 2 माइनस लेते हैं अपन एच का NO3 माइनस लेते हैं तो ये जो अनायंस है इनका हाइड्रोलिस नहीं हो रहा है दीज कैटायंस दिज अनायंस दे डू नॉट हाइड्रोलाइज ठीक है मतलब पानी को चेंज नहीं कर रहे पानी पानी ही है इसीलिए सोल्यूशन कैसा रहेगा न्यूट्रल रहेगा यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ठीक है यू हैव एन ए प्लस एंड एसिडिड ओके एन यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हियर यू हैव एन एच थ्री ओके एंड सी एल माइनस एन ना लो किसका हाइड्रोलोसिस नहीं होगा एन ए प्लस का हाइड्रोलोसिस नहीं होगा सी एल माइनस का हाइड्रोलोसिस नहीं होगा ठीक है ना ये दोनों का हाइड्रोलोसिस नहीं होगा लेकिन इनका हाइड्रोलोसिस होगा मतलब ये पानी के साथ इंटरेक्ट करेंगे इज इट एंड दैट्स वाई दे आर गोइंग टू गिव यू सो दिस इज गोइंग टू गिव यू अनायन का हाइड्रोलोसिस होता है तो अपने को बेसिक सोल्यूशन मिलता है और कैटायन का हाइड्रोलोसिस होता है पानी में तो अपने को एसिडिक सोल्यूशन मिलता है सोल्यूशन न लुक एट दिस सॉल्ट फोर्थ वाला अपना अमोनियम एसीडेट ठीक है यहाँ पे ऑब्वियसली एसिडेट आयन भी है और अमोनिया भी है तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ कैटायन बट दिस इज अ वीक बेस या वीक बेस अपन ले रहे हैं एज अज अमोनियम तो अमोनिया इज एक्चुअली uh, or ammonia is actually है ना ammonia is a weak base तो इसको weak base की तरह treat कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोनों का hydrolysis होगा अब जिसका hydrolysis ज्यादा उसके हिसाब से हो गया अगर मान लो कि acetate ion का hydrolysis ज्यादा है तो आप देखो solution कैसा मिलेगा basic है ना जब कैट अनायन का हाइड्रोलोसिस होता है तो बेसिक सोल्यूशन मिलता है तो मान लो कि इसका अगर हाइड्रोलोसिस ज़्यादा है तो अपने को बेसिक सोल्यूशन अगर मान लो अमोनिया का ज़्यादा हाइड्रोलोसिस होता है तो अपने को सोल्यूशन मिलेगा एसिडिक ठीक है तो किसका हाइड्रोलोसिस ज़्यादा है अनायन का हाइड्रोलोसिस तो बेसिक सोल्यूशन कैटाइन का हाइड्रोलोसिस तो एसिडिक सोल्यूशन ठीक है ये अपने को देखना पड़ेगा तो अब इसके लिए मेरे को हाइड्रोलोसिस कॉन्सटेंट ये टर्म लाना पड़ेगा सो so, जैसे के uh, होता है दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ठीक है के सी होता है तो अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज कर रहे हैं के पी इक्विलिबियम कॉन्स्टेंट जिसमें अपन प्रेशर टर्म यूज़ कर रहे हैं है ना के ए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जिसमें अपन एसिड के लिए यूज कर रहे हैं के बी राइट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जहाँ पे बेस वाला रिएक्शन है तो ये अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हैं दिज आर द सेम थिंग दिज आर ऑल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट राइट तो उसी तरह से देर इज अनदर टर्म दैट वी गोना ब्रिंग इन नाउ दैट इज गोइंग टू बी के एच दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोलिस कॉन्स्टेंट क्या बोलेंगे इसको हाइड्रोलोसिस कॉन्स्टेंट दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट बट लेकिन यहाँ पर ये जो अनयन है कैटायन है इनका जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ वो रिएक्शन के लिए अपन ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट टर्म यूज करेंगे ठीक है मैं दिखाता हूँ तुमको तो कोई भी सॉल्ट ले लो ठीक है कोई भी सॉल्ट ठीक है कोई भी सॉल्ट क्या होगा पानी में डिजॉल्व होता है पानी में डिजॉल्व होता है तो अपन उसको एक्ूएस इसमें लिखते हैं जैसे एन एच सी एल तो वी गेट एन ए प्लस एक्स एन सी एल माइनस एक्एस इस तरह से लिखते हैं बट एक्चुअली में अगर वीक सॉल्टस है ओके अगर जो सॉल्टस है उसका जो कैटन और अनैन है जैसे सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस ले रहे और एन एच थ्री ले रहे ठीक है तो ये दोनों कैसे हैं ओके दिज आर आर कमिंग फ्राम वीक एसिड एंड वीक बेस है ना ये एसिडिक एसिड से आ रहा है ये तो अमोनिया ही है तो इनका हाइड्रोलोसिस होगा इजेंट इट बोथ ऑफ देम विल हाइड्रोलाइज इसका मतलब बोथ ऑफ देम विल रिएक्ट विथ वाटर ठीक है तो देखो अनायन uh, जब हाइड्रोलिस होता है अनायन का रिएक्शन विथ वाटर तो अपने को क्या मिल रहा है एच ए प्लस ओ एच माइनस मतलब अगर ये लिखता हूँ मैं इस तरह से सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच टू ओ तो अपने को क्या मिलेगा एसिडिक एसिड प्लस ओ एच माइनस आयन है ना ये रिएक्शन होगा अब ये रिएक्शन में देखो अनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ दिस इज अनायन तो उसमें ओ एच माइनस आयन जनरेट हो रहा है क्योंकि एसिडिक एसिड इज नॉट एसिडिक ये कब तक एसिडिक नहीं है जब तक ये डिसोसिएट नहीं होता है? सिर्फ एसिडिक एसिड acid अगर लेते हैं अनडिसोसिएटेड इट इज नॉट एसिडिक राइट सो यहां पे क्या हुआ कि ये अनायन न्यूट्रलाइज हो गया लेकिन एट द सेम टाइम यू गॉट ओ एच माइनस आयन ओके एसिडेड आयन वॉज बेसिक ओके ये बेस है ये बेस है और ये एसिड है तो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस तो कॉन्जुगेट बेस uh, का ये बेस और uh, ये एसिड ये दिजा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर और ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है इसके जनरेशन के वजह से ये सोल्यूशन कैसा रहेगा ये रहेगा बेसिक समझ में आए दिस इज गोइंग टू बी अ बेसिक सोल्यूशन या सॉरी ये मेरे एन एच थ्री नहीं वुड नीड टू टेक गलती किया मैंने बताने uh, में एन एच फोर एन एच फोर प्लस ठीक है एन एच फोर प्लस या सो वी हैच फोर प्लस एन दिस इज बेस ओके ऑल्दो इट इज़ कमिंग फ्राम एसिड बट दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड एंड इट इज कमिंग फ्रॉम वीक बेस ठीक है सो बेस इज कमिंग फ्रॉम वीक एसिड एंड एसिड इज कमिंग फ्राम वीक बेस कॉन्जुकेट एसिड बेस पेयर है इसलिए ओके मैंने वहाँ पर एसिड बेस पेयर ही लिखा था बट यू नो माई आइडिया वॉज लाइटली डिफरेंट तो यहाँ पे एन एच फोर प्लस ये कैटायन है पानी में तो ये क्या होगा ये एच थ्री ओ प्लस देगा प्लस एन एच थ्री इज सो ये एच थ्री ओ प्लस मतलब प्लस हो गया इसके जनरेशन की वजह से पानी क्या हो जाएगा एसिडिक ओके okay? तो यही रिएक्शन यहाँ पे दिखाई यू कैन सी अनायन का हाइड्रोलोसिस होता है जनरल अनायन है तो उसमें ये जनरेट हो रहा है और ये जनरेशन की वजह से अपन क्या बोलेंगे अनायन हाइड्रोलोसिस जब होता है तो उसमें ओ एच माइनस आयन जनरेट होते हैं उसी तरह से जब कैटायन का हाइड्रोलोसिस होता है तो H प्लस आयन जनरेट होते हैं समझ में आया क्या कैटायन के हाइड्रोलोसिस में H प्लस आयन जनरेट हो रहा है अनायन के हाइड्रोलोसिस में ओ एच माइनस आयन जनरेट हो रहा है ओके तो ये जो कैटायन और अनायन है ओके तो ये कौन से रहेंगे कौन से अनायंस और कैटायंस हाइड्रोलाइज होंगे दीज आर द कैटायंस एंड अनायंस ऑफ ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उनके ही कैटायन और अनायन हाइड्रोलाइज होंगे ओके लुक एट दीज एग्जाम्पल्स ठीक है कौन से कौन से हाइड्रोलाइज होंगे एसिटेट आयन हाइड्रोलाइज होगा सोडियम आयन नहीं होगा बराबर है कार्बोनेट आयन हाइड्रोलाइज होगा सोडियम आयन अगेन नहीं होगा फॉस्फेट आयन हाइड्रोलाइज होगा सो so यहाँ पर अनायन हाइड्रोलोजिस हो रहा है यहाँ पे देखो ये कैटायनस हाइड्रोलोजिस होंगे ओके okay, यहाँ पे दोनों का हाइड्रोलोसिस होगा दिस वन एज वेल एज दिस वन दिस वन एज वेल एज दिस वन दिस वन एज वेल एज दिस वन तो इफ यू लुक एट ऑल दीज अनायंस और कैटायंस राइट यहाँ पे जैसे कैटायंस देख रहे हो आयन कार्बोनेट आयन सो दीज आर कमिंग फ्रॉम वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है ओके okay? यहाँ पे अगर तुम कैटायंस देखते हो दीज आर कमिंग फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट दीज आर कमिंग फ्रॉम वीक बेस इज इट इट वीक बेस से आ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट से तो यही हाइड्रोलाइज होंगे ओके इफ यू लुक एट अदर सिचुएशन जैसे ये सोडियम है ना तो यहाँ पे सब में सोडियम आ रहा है यहाँ पे क्लोराइड सल्फेट अलूमिनियम ये कैसे है ओके okay? ये जो कैटायन है दीज आर एक्चुअली सो दिस सोडियम और पोटेशियम कैटायन दीज आर कमिंग फ्राम स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनका हाइड्रोलोसिस नहीं होगा ओके क्लोराइड आयन सल्फेट आयन है ना ब्रोमाइडाइन आइडाडाइन दीज आर कमिंग फ्राम स्ट्रॉन्ग एसिड तो इनका हाइड्रोलोसिस फिर से नहीं होगा अंडरस्टूडे सो so, जो इलेक्ट्रोलाइट्स uh, जो अनायन uh, या कैटाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस लाइट से आ रहे हैं उनका हाइड्रोलोसिस नहीं होता है जो कैटायन और अनायन वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है उनका हाइड्रोलोसिस होता है ओनली दे इंटरेक्ट विथ वाटर ओनली दे रिएक्ट विथ वाटर ओके तो टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दैट बेसिकली कि यू हैव एन एच थ्री राइट एन एच थ्री इज अ वीक बेस ओके एन एच थ्री इज़ अ वीक बेस ऑब्वियसली इसका जो um, उसका जो कॉन्जुकेट एसिड रहेगा एन एच फोर प्लस तो ये इंटरेक्ट होगा ओके बट कैन अगर मैं एन ए ओ एच लेता हूँ ओके एन एच इसका जो कैटा है ना दैट इज़ एन ए प्लस क्या एन ए प्लस इंटरक्ट होगा रिएक्ट होगा पानी के साथ नहीं होगा ठीक है ना एन ए प्लस अगर मैं पानी में डालता हूँ सीधी बात है अगर मैंने एनए प्लस पानी में डाल दिया ठीक है तो मेरे को सोल्यूशन कैसा मिलेगा न्यूट्रल लेकिन वही अगर मैंने एन एच फोर पानी में डाल दिया एन एच फोर प्लस तो मेरे को सोल्यूशन एसिडिक मिलेगा समझ में आएगा दैट्स द रीजन वाई यू गेट एसिडिक या फिर अल्कलाइन सोल्यूशन वेन यू हैव दो टाइप ऑफ सॉल्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट हाइड्रोलस नथिंग बट रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ठीक है हाइड्रोलोसिस रिएक्शन अगर तुम देखते हो कोई भी हाइड्रोलोसिस रिएक्शन जैसे अपन ने यहाँ पे एसिटेट um, आयन की हाइड्रोलोस uh, रिएक्शन देखा था ओके समथिंग लाइक दिस एच थ्री ओ ओ माइनस प्लस एच टू ओ गिव अब ये इक्विलिब्रियम रहेगा वाई बिकॉज यू नो इट्स अ वीक बेस इज इट इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन रहेगा एंड यू कना गेट एसिटिक एसिड एंड ओ एच माइनस इट और यही रिएक्शन अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में लिखू ठीक है तो क्या होगा एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट है ना अब यहाँ पे अपने को कोई जैसे ये लिखना पड़ेगा जैसे एन लिख दिया मैंने यहाँ पे राइटिंग जस्ट ओ माइनस मैंने एन लिख दिया अगर मैंने यहाँ पे एन लिखा है क्योंकि एन ए इज ए स्पेक्टेटर आया तो मेरे को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा अब रिवर्स डायरेक्शन में देखो एसिड प्लस बेस गिवज यू सॉल्ट प्लस वाटर इज एंट इड तो हाइड्रोलोसिस जो है दैट इज नथिंग बट अ रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन में यू गेट टू द न्यूट्रो सोल्यूशन इज एंट इड और हाइड्रोलोसिस में क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट बनते हैं दे एक्चुअली इंटरेक्ट विथ वाटर एंड यू गेट एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन ओके और इन समटाइम्स यूसो गेट न्यूट्रल सोल्यूशन ऑल्सो और तो जैसे कोई भी हाइड्रोलोसिस का रिएक्शन अपन लिखते हैं जस्ट कीप इट लाइक दैट तो उसका एक हाइड्रोलोसिस कांस्टेंट होता है तो ये अनायन का जैसे है ना एसिड आयन का लिख रहे हैं अपन तो उसका ये रिएक्शन का हाइड्रोलोसिस कांस्टेंट है ओके okay? उसको अपन जैसा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखते हैं उसी तरह से इसको भी अपन लिखेंगे ओके एच ए विच इज़ द एसिड ओके ये एसिड क्या है दिस इज द कॉन्जुकेट एसिड इज इट इट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस ये जो बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड है एच ए ठीक है और यही एसिड से अपन ने ये बनाया था है ना मतलब जब अपन सॉल्ट बना रहे थे ओके सोडियम एसिडेट बना लिया एने या फिर सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए तो उसके लिए जो ये जो एसिटेट आयन हमने बनाया था या लाया था वो कहाँ से लाया था एसिडिक एसिड से लाया था है ना तो ये अनायन एसिडिक एसिड से ही आ रहा है जब ये पानी में डालूंगा मैं तो एसिडिक एसिड एसेट ही मिलेगा उसको अपन बोलते हैं कॉन्जुकेट एसिड ओके सो दैट इज द कॉन्जुकेट एसिड और फिर यू हैव दिस ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो अनायन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ठीक है नाउ फॉर दिस अनायन ध्यान में रखना ओके दैट इज द हाइड्रोलिसिस दैट इज हैपनिंग जो डिनोमिनेटर में है ओके okay? जो डिनोमिनेटर में है उसका हाइड्रोलोसिस हो रहा है ध्यान में रखना है ये इसका हाइड्रोलोसिस हो रहा है और अपने को ये दो चीजें मिल रही है ओके okay? जो पानी होता है दैट इज अ लिक्विड इसका अपन लेते नहीं है ओके नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अगर आ, कोई कैटायन है जैसे एनएच फोर प्लस लिया था अपन ने प्लस एच टू तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं एन एच थ्री प्लस एच थ्री ओ प्लस ठीक है plus plus, मतलब कैटाइन का हाइड्रोलोस हो रहा है तो अपन ये रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे ठीक है uh, कोई दूसरा बेस लेते हैं अपन तो अपन उसको कैटाइन को इस तरह से लिखेंगे और दिस इज योर एसिड दैट इज योर बेस है ना बी ओ एच एन एच थे दैट इज द बेस एच थ्री ओ प्लस मतलब एच प्लस दैट इज योर एसिड और डिनोमिनेटर में रहेगा एन एच फोर तुम्हारा जो भी कैटाइन है वो ठीक है, उसका अपन हाइड्रोलिसिस ले रहे हैं। सो um, बेसिकली so ये रिएक्शंस जो है अपने ओके okay, हाइड्रोलिसिस वाले उसका ये हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम लॉ है और राइट दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर अनायनिक हाइड्रोलिसिस एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस समझ में आया जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ओके okay, तो डिसोसिएशन में क्या लिखते हैं जैसे कोई एसिडिक एसिड acid है ठीक है ना सी एच थ्री सी ओ एच तो इसका डिसोसिएशन अपन लिखते हैं एज पानी में राइट सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच प्लस ओके और ये एक्स है बेसिकली तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा इसके लिए जो भी है इसको अपन अल्फा से इंडिकेट करते थे अब यहाँ पे क्या हो रहा है कोई भी सॉल्ट uh, का जो कैटायन आना है ले रहे हैं अपन वहाँ पे वी आर हैविंग हाइड्रोलोसिस तो यहाँ पे जो टर्म अपन यूज़ करेंगे डिग्री ऑफ़ हाइड्रोलोसिस ठीक है एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलोस ठीक है जितना ज़्यादा हाइड्रोलोसिस उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रोलोसिस सीधा है ओके okay? जैसे अल्फ़ा और जो के ए था के अल्फा और के ए या, या अल्फा या के बी इन डायरेक्ट रिलेशनशिप था जितना ज़्यादा अल्फा ओके okay? जितना ज़्यादा अल्फा उतना ज़्यादा के, के ए Isn't it? और उतना ज्यादा H concentration अपने को मिलता मिलता था था। या OH concentration मिलता था? There, there was a direct उसी तरह से जितना ज़्यादा प्लसिस होगा उतना ज्यादा एच का वैल्यू होगा ओके नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, इनका कैलकुलेशन ठीक है वी नीड टू कैलकुलेट दी एच ऑफ दीज सोल्यूशन ठीक है ना ये जो सोल्यूशन है साल्टस ऑफ स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्वियसली सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल है तो पी निकालने की जरूरत है लेकिन लेस टिक अनअदर सॉल्ट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉग बेस तो ये सोल्यूशन कैसा होता है ये बेसिक होता है बेसिक होता है लेकिन इसका पी एच क्या रहेगा वो अपने को कैलकुलेट करना है एंड दैट कैन बी डन यूजिंग वट एम गोइंग टू शो यू नाउ ओके सो so, यहाँ पे जो सॉल्ट अपन ले रहे हैं जैसे एग्जाम्पल लिया है अपन एसिटेट सोडियम एसिटेट ठीक है यू कैन वर्क विद द सेम सोडियम एसिटेट बट ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला तो इसको शॉर्ट में अपन एन uh, ए लिखते हैं एन ए ए ठीक है सो दैट्स बेसिकली द ए ओके दिस इज योर ए पार्ट एंड इज योर एन ए पार्ट ठीक है तो एन ए ए सो दैट इज द सोडियम एसिटेट का एक से शॉर्ट सिम्बॉल ओके ए इज द एसिटेट आयन ओके अब इसको मैं हाइड्रोलाइज करवाता हूँ ठीक है हाइड्रोलाइज करवाता हूँ बेसिकली इसको अगर मैं पानी में डालता हूँ तो विल गेट टू आयंस बेसिकली एक तो एसिडेड आयन मिलेगा एक सोडियम आयन मिलेगा ठीक है सोडियम आयंस इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है तो इट्स बेसिकली कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस है ना सोडियम आयंस आर कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस और ये जो है इसका हाइड्रोलोसिस नहीं होगा देखो एरो कट किया है बेसिकली इसका मतलब हाइड्रोलोस नहीं होगा ये नहीं होगा ओके okay? Uh, या फिर ये बोल सकते हो कि ये नहीं के बराबर हो गया इट्स अ वेरी निग्लिजिबल थिंग बिकॉज जो कैटायन है दैट इज़ अ वीक कैटायन बेसिकली तो ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता पानी इसको घेर लेता है बेसिकली बट इट डजॉन्ट स्प्लिट द वॉटर ठीक है इसलिए तुमको एच प्लस आयन या ओ एच माइनस आयन यहाँ पे नहीं मिल रहा है ओके okay? सो so, जिसका डिसोसिएशन ज़्यादा है क्योंकि दिस इज प्रेटी मच ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इट पूरी की पूरी तरह से फॉरवर्ड uh, डायरेक्शन है तो यहाँ पे जो के बी है बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दैट इज हाई ओके इजेंट इट हाई के बी है और यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज हाइड्रोलोसिस कांस्टेंट, ओके के एच हाइड्रोलोसिस तो यहाँ पे हो रहा है क्या ये नहीं दिस इज लो ओके सो लो को के एच समझ में आ रहा है क्या तो जिस बेस का ओके अपन कैटाइन के लिए बात कर रहे हैं ऑब्वियसली लेकिन बेस ले रहे हैं अपन ऐसा बेस ओके okay, जो पूरी तरह से डिसोसिएट होके कैटायन देता है तो उस कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता ओके okay? समझ में आया क्या अगर कैटायन इफ द कैटाइन इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रांग बेस ओके इसका मतलब इसका जो के है वो बहुत ज़्यादा है ओके okay? तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस कैटाइन का हाइड्रोलिस नहीं होगा जिस बेस से ये आ रहा है उसका के भी ज्यादा है राइट तो उससे जो कैटायन आएगा उस कैटायन का हाइड्रोलिस नहीं होगा ओके इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू फॉलो क्योंकि सोडियम आयन इज अ इज अ बिग कैटायन एंड इट डज इंट्रैक्ट विथ वाटर तो ये कोई कैटायन या अनयन जनरेट नहीं कर रहा है ये H प्लस या ओ OH एच माइनस आइन जनरेट नहीं कर रहा है पानी में एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम क्या बोलते हैं इस तरह के कैटायंस का हाइड्रोलिस नहीं होता ओके okay? एनी कैटाइन दैट कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉग बेस एनी अनायन दैट कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉग एसिड इनका हाइड्रोलोसिस नहीं होता फॉर द सेम रीजन ओके सो इन केस ऑफ कैटायंस देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन के एच एंड के वी अगर मैं अनायन लेता हूँ ठीक है अनायन का हाइड्रोलोसिस दिखाना है एंड इफ इट इज़ अ स्ट्रांग इफ द अनायन इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसका भी हाइड्रोलोसिस नहीं होगा और उसमें भी यही रिलेशनशिप रहेगा क्लियरली देर इज शो कि के एच है ना इसका के बी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है उसी तरह से यू कैन ऑल्सो से के ए के साथ भी इन्वर्स रिलेशनशिप ही रहेगा इट सो हाइड्रोलोसिस कॉन्स्टेंट का के बी और के ए के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है ओके okay? लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था ओके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट इट तो उसमें जो अनायन uh, है दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वीक एसिड तो इस अनायन का हाइड्रोलोसिस होगा ओके okay? ये इस तरह से पानी के साथ रिएक्ट होता है और ओएज आयन जनरेट करता है ओके okay? ओके okay. तो ये जो रिएक्शन है अपना ओके okay? ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को अपन बोल hydrolysis hydrolysis anion. Anion रहे हाइड्रोलोसिस रिएक्शन हाइड्रोलोसिस ऑफ अनायन या अनायन हाइड्रोलोसिस ठीक है ये रिएक्शन हमारा सेंटर पॉइंट है ध्यान में रखना ओके क्योंकि अपन ने पानी में क्या डाला है कैटायन और अनायन ही डाले अपन ने सॉल्ट ही डाला है ना पानी में तो कैटायन या अनायन ही पानी में डाला है तो जो कैटायन है या जो अनायन है उसका जो इंटरेक्शन है विथ वाटर दैट रिएक्शन इज हाइड्रोलोसस रिएक्शन ठीक है ये अगर फंडामेंटल पॉइंट्स अगर तुमको समझ में आ गए तो तुमको ये कॉन्सेप्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा क्योंकि रेस्ट ऑफ इट इज़ बेसिकली सिमथिंग सिमिलर टू इक्विलिब्रियम ठीक है जो अपन ने इसके पहले देखा है उसके जैसा ही है सिर्फ ये जो पार्ट uh, होता है कंसेप्चुअल पार्ट दैट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो काफ़ी बुक्स में या काफ़ी जगह पे इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है कि दिस इज एक्चुअली सेम थिंग एज बिफोर इस एंड वट हैपन्स स्टूडेंट स्टार्ट्स टू फील कि दिस इज़ समथिंग न्यू

ओके अल्फे अल्फा कब यूज करते हैं वेन यूज टू यूज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे एच बिकॉज वी नीड टू टॉक अबाउट डिग्री ऑफ इस रिएक्शन के लिए इट्स नॉट डिसोसिएशन इट्स हाइड्रोलोसस समझ में आया ना सो बेसिकली वी आर रिप्लेसिंग द टर्म इंस्टेड ऑफ़ के ए वी आर यूजिंग के एच इंस्टेड ऑफ अल्फा वी आर यूजिंग एच दैट्स ऑल वी आर डूइंगर ओके सो so, ये हो गया सी और सी वन माइनस एच ओके सी वन माइनस एच ये हो जाएगा सी एच ये हो जाएगा सी एच ठीक है इस तरह से एंड सो ना यू गॉट दिस इक्विलिब्रियम कॉन्सनट्रेशन अब तुम इक्विलिब्रियम लॉ लिखो जैसा ये इक्वेशन है ना अपना उसका इक्विलिब्रियम लॉ लिखेंगे दैट इज़ बेसिकली दैट है ना के एच इज़ इक्वल टू ओके सिंपली टर्म्स चेंज कर रहे हैं हाइड्रोलोसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट कॉन्सन्ट्रेशंस और सारे इक्विलिब्रियम्स का यहाँ पे कॉन्सनट्रेशंस अपन पुट कर रहे हैं एंड दिस गोज हियर ये हो गया इस तरह से अपन ने कॉन्सन्ट्रेशंस पुट कर दिए एंड देन यू सॉल्व ठीक है अब इन जनरल एच इज वेरी वेरी स्मॉल ओके एज कंपेयर टू वन एच जो होता है वो एक से बहुत कम होता है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता इज इट सो यहाँ पे अपन एच को इग्नोर कर सकते हैं सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वॉट वी गेट इज के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायेर ठीक है so, ना ये अपना इक्वेशन बनता है दैट इज वेरी सिमिलर टू के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बराबर है दैट इज द इक्वेशन वी सॉ विद डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड ओके के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर या के बी इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर ये इक्वेशन ने देखा था सिंपली रिप्लेस कर रहे अल्फा को एच से रिप्लेस कर रहे पे ओके बिकॉज आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलोसिस दैट्स ऑल वी आर डूइंग ओके एंड सी क्या है सी इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट ओके ये जो सी है उसमें क्योंकि जो सॉल्ट है जो जो अनायन है मान लो ठीक है वो कहाँ से आ रहा है वो तो सॉल्ट से ही आ रहा है ना और सॉल्ट तो पूरे के पूरा घुलेगा पानी में ओके सॉल्ट पूरे का पूरा घुलेगा पानी में ठीक है तो जैसे अगर मान लो मैंने सोडियम एसीटेट को पानी में डाला है ठीक है इसको मैंने क्या कर दिया पानी में डाल दिया सोडियम एसीटेट या सॉल्ट दिया और उसको पानी में डाला तो मेरे को क्या मिलेगा ये मिलेगा प्लस एन मिलेगा दिस इज नाउ एक बराबर है ये है क्यों से। अब ये जो सोडियम जो एसिटेट आयन है दिस विल नाउ हाइड्रोलाइज तो इसके लिए अपन रिएक्शन लिख रहे हैं ठीक है अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा सोडियम आयर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा अगर मान लो ये मैंने वन मोलर सोल्यूशन लिया है सोडियम एसिटेट का तो ये भी तो वन मोलर ही रहेगा ना बरबर है दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन मोलर सोल्यूशन इसमें एसिड आयन कितने रहेंगे ओके वन मोलर इस यही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इस आयन का ये हाँ इसका भी वन मोलर है क्योंकि सॉल्ट पूरी पूरा डिसोसिएट हो रहा है ओके okay? इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट अगर देखते हैं अपन सॉल्ट का दैट इज गोइंग टू भी इक्वल टू वन कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन लेकिन ये जो हाइड्रोलोसिस है ये छोटा रहेगा ओके okay? इसका बहुत कम रहेगा हाइड्रोलोसिस और इस रिएक्शन के लिए जो हाइड्रोलोस कांस्टेंट है उसके लिए अपन ये लिख रहे हैं के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड इट तो ये अपना जो वीक एसिड जैसे एसिडिक एसिड है एसिडिक एसिड इस तरह से डिसोसिएट एच प्लस आए प्लस एसिडेट आए दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इसके लिए के ए इक्वेशन में लिखूंगा ओके okay? इसके लिए के ए इक्वेशन में लिखूंगा तो के इक्वेशन क्या रहेगा दैट मीन Isn't it H plus sine a minus sine divided by H है? So this is the Ka equation. अब हम क्या करते हैं ये equation को, okay? Numerator और denominator को दोनों को OH minus से multiply करते हैं, ठीक है? So यहाँ पे भी OH minus sine concentration और OH minus sine concentration दोनों को denominator. और a minus को यहाँ पे unnecessarily मैंने नीचे ला लिया, but doesn't have to be. Okay, you can just uh, figure it out from there. दोनों को ये कर लिया, write कर दिया.

के एच अपन ने लिखा था इसके पहले वाले स्क्रीन पे वो ये है इज इट सो बेसिकली वॉट वी गेट इज के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के एच वी आर सॉल्विंग फ्रॉम फॉर के एच के एच इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए मतलब कि यू कैन सॉल्व हाइड्रोलोसिस कॉन्स्टेंट टू डिफरेंट वेज ओके के एच जो है उसको तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो एक तो ये हो गया तुम्हारा ए माइनस सॉरी एच ए एच ए कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए माइनस एन ठीक है जो अपन ने इसके प्रीवियस वाले इस पर किया था मतलब ये वाला इक्वेशन जो अपने यहाँ पे लिखा है और जो अपन ने यहाँ पे देखा था ये वाला ठीक है ये इक्वेशन के लिए ये वाला के एच का इक्वेशन लिखा था सो दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग के एच ओके so okay, तुमको अगर uh, सबका कॉन्सेंट्रेशन मालूम है यू कैन एक्चुअली डू दैट अनदर वे ऑफ सॉल्विंग के एच इज वेरी इजी ओके सिंपली के डब्ल्यू ले लो के डब्ल्यू की वैली सभी को मालूम है वन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन ओके सो के एच इज़ इक्वल टू हो जाएगा वन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन एंड के ए ठीक है के ए वॉट इज़ के ए के ए इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड ठीक है मतलब ये अपना हीरो है अनायन अनायन का हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं अपन एसिडेट आयन देख रहे थे या जो भी अनायन था उसका हाइड्रोलिसिस देख रहे थे तो ये अनायन कहाँ से आ रहा है जिस वीक एसिड से आ रहा है उस वीक एसिड का के ए देखो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट देखो ठीक है तो ये हो जाएगा अपना के ए ऑफ वीक एसिड समझ नॉट सॉल्ट ध्यान में रखना के ए हम अपन सॉल्ट के लिए यूज ही नहीं कर सकते कि ए हो गया मतलब इट इज़ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड ही होगा ओके स्ट्रॉन्ग एसिड का तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगा कि वेट ऑफ अबाउट वीक एसिड ठीक है और उनका जो अनायन होता है दैट इज नॉट गोइंग टू बी बेसिकली जो अनायन होता है दैट इज नॉट गोइंग टू बी थोड़ी सी इट विल नॉट हाइड्रोलाइज ओके वीक एसिड अगर है उसका जो अनायन बन रहा है उसका जो सॉल्ट बन रहा है वही हाइड्रोलाइज होगा और right, अभी के ए तुमको डायरेक्टली दिया जा सकता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आसान होगा या फिर तुमको पी के ए दिया रहेगा और पी के ए इज़ इक्वल टू माइनस लॉक टू द बेस टेन ऑफ के ठीक है अगर तुमको पी के ए दिया है तो उसका नेगेटिव लॉग लेके उसका एंटी लॉग लेके के ए फाइंड करो के को इस इक्वेशन में रखो और राइट और के एच फाइंड करो एंड देन यू कैन फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ओके एक बार के एच फाइंड हो गया दैन यूज दैट इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन के एच फाइंड हो गया ना अब कॉन्सेंट्रेशन तुम किसी भी चीज़ का फाइंड कर सकते हैं ओके नेक्स्ट के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वा ठीक है सी एच स्क्वायर ठीक है ये अपने को ऑलरेडी मालूम है या पहले वाले इक्वेशन में तो एच के लिए अगर अपन सॉल्व करते हैं ठीक है तो एच के लिए अपने को क्या मिलता है एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी ओके इफ़ यू रिमेंबर अल्फा का इक्वेशन क्या था अल्फा इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी ओके अगर एसिड है तो के ए बेस है तो के बी यही अपन ने देखा था और उसी तरह से ये एच का हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन है नाउ इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे अपन ने यह बोला था के ए सॉरी अल्फा और सी इसका रिलेशनशिप कैसा है इनवर्स है ओके okay? मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ओके okay, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक होता है ओके okay, लो होता है या इफ़ द कॉन्सन्ट्रेशन इज मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन में डिसोसिएशन ज़्यादा होता है किसी भी एसिड सॉल्ट या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का किसी भी कंपाउंड का किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जितना ज़्यादा मैं डाइल्यूट सोल्यूशन बनाऊँ उतना ज़्यादा उसका डिसोसिएशन बढ़ते जाएगा ठीक है ये अपने को लॉजिकली uh, भी समझ में आता है सेम थिंग यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है इफ़ यू लुक एट कॉन्सेंट्रेशन और एच का रिलेशनशिप इट इज़ अगेन इनवर्स या कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा उतना कम हाइड्रोलोसिस कॉन्सटेंट रहेगा सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलोसिस रहेगा ठीक है ना हाइड्रोलोसिस कॉन्सटेंट न्यूमोरेटर में आ रहा है ठीक है जितना ज़्यादा सी uh, का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा उतना कम डिग्री ऑफ हाइड्रोलोसिस अंडरस्टूड है क्या सो इसेंशियली डायल्यूट सोल्यूशन में कॉन्ट्रेशन नहीं कम रहेगा जब डाइल्यूट सोल्यूशन अपन लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम लेते हैं ठीक है थीके? उस समय हाइड्रोलोसिस जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा ओके okay? कंसिडर दिस इक्वेशन अगेन के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए ध्यान में रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट ये दिस इज मैं एट द एंड ऑफ इट पूरा समराइज कर दूंगा चारों सॉल्ट के लिए जो इक्वेश्स बनते हैं या तीनों सॉल्ट के लिए जो इक्वेशन बनते वो समराइज भी कर दूंगा सारे के सारे इक्वेशन बट ये सारे इक्वेशन तुमको ध्यान में रखना है के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए ठीक है आप के एच और के ए का रिलेशनशिप कैसा आ रहा है इनवर्स आ रहा है ठीक है मतलब दो एसिड लिए आपने मान लो एक ले लिया एसिटिक एसिड ओके एंड एक ले लिया कार्बोनिक एसिड ठीक है अब आ, ऐसा एज्यूम कर लो कि ये जो एसिडिक एसिड इज वीकर ओके या फिर ये ये शायद से वीक होगा एसिड वीकर ओके तो जो वीक एसिड है उससे जो अनायन बनेगा यहाँ पे दो अनायन बन रहे कार्बोनेट आयन और यहाँ पे आएगा एसिडेट तो इसेंशियली किसका ज़्यादा हाइड्रोलोसिस होगा देखो रिलेशनशिप क्या है के एच और के ए का इन्वर्स है तो जो ज़्यादा वीक है ओके सो इसेंशियली दिस इज स्ट्रोंगर है ना ये स्ट्रॉन्ग है एसिड एसिडिक एसिड ऐसा अज्यूम करते हैं आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन ज़्यादा है दे आर बेसिकली सेम दे आर बोथ वीक ओके बट लेस अज्यूम कि एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड ऐसा अज्यूम करते हैं तो जो स्ट्रांग है उसका हाइड्रोलोसिस कम होगा तो उसका के एच वैल्यू भी कम रहेगा ओके okay? इसका हाइड्रोलोसिस ही कम हो रहा है तो हाइड्रोलोसिस कॉन्स्टेंट भी कम रहेगा तो हाइड्रोलोसिस किसका ज़्यादा रहेगा इसका दिस इज़ फॉर के एच ठीक है दिस इज फॉर के एच एंड दिस इज फॉर के ए समझ में आया क्या जो के ए ज़्यादा है मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है एसिडिक एसिड की तो उसका जो हाइड्रोलोसिस रहेगा उस अनायन का वो कम रहेगा और जिसका वीक है एसिड जो वीक है एसिड उससे जो अनायान आ रहा है उसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा रहेगा समझ में आया गया और यहाँ पे अपने को ज़्यादा चेंज इन पीएच मिलेगा ध्यान में रखना ओके विथ दिस टाइप ऑफ सॉल्स विथ जितना वीक उतना ज़्यादा चेंज इन पीएच अपने को दिखेगा इन द सोल्यूशन समझ में आया जैसे वी टॉक अबाउट दीज सॉल्स राइट वीर आर द दॉल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस सॉरी दीज आर द दॉल्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉग बेस है ना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्व से ओके वीक एसिड अपन ने लिया था एसिड जैसे सी एस थ्री सी ओ एन ए ये सोल्यूशन का सॉल्ट सोल्यूशन कैसा होता है एसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस ये बेसिक होता है सॉरी बेसिक तो ये जितना वीक एसिड रहेगा ये जितना वीक एसिड रहेगा उतना ज़्यादा ठीक है उतना ज्यादा ये सोल्यूशन बेसिक रहेगा ये समझ में आया क्या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यह ये जितना ज्यादा वीक एसिड उतना ज्यादा बेसिक इसका सोल्यूशन रहेगा सो लोअर द के ए ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलोसिस एंड मोर अल्कलाइन द सोल्यूशन इज ओके तो यहाँ से तुम Uh, ये स्टेटमेंट को ध्यान में रख सकते हो ओके okay? सो so ये स्टेटमेंट को तुम ध्यान में रख सकते हो के uh, एच ये अपना इक्वेशन है ओके okay? इसमें दैट इज द हाइड्रोलोसिस वाला इक्वेशन फॉर फॉर दैट इज द के ए इक्वेशन फॉर दैट ठीक है अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली uh, जो हाइड्रोलोसिस है वो अनायन का हो रहा है इसका हाइड्रोलोसिस हो रहा है और इसमें दो चीज़ें बन रही है एच ए और ओ एच माइनस आयन ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हाइड्रोलोसिस होगा ओके okay, उतना ज़्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा उतना ज़्यादा के एच का वैल्यू ज़्यादा रहेगा ओके हाइड्रोलोस कॉन्सटेंट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा इन आइदर केस ओके अदर के एच ज़्यादा है या कम इट डजन रियली मैटर ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम ही रहेगा इज इट सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसको अपन इक्वल मान लेते हैं एंड देन वी कैन पुट दिस इन टू दैट इक्वेशन ठीक है तो uh, इसका स्क्वायर कर लिया मतलब ये दोनों को क्या कर लिया इक्वल कर लिया ठीक है ना ये दोनों इसको इक्वल कर लिया स्क्वायर मान लिया एंड वी गेट दैट राइट व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस ए माइनस का तो वही कॉन्सेंट्रेशन है जो सॉल्ट का कॉन्सनट्रेशन है रिमेंबर इज इट सॉल्ट डाला सॉल्ट पूरा घुल गया जितना घुल गया उतना उसने ए माइनस दिया तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट ठीक है यहाँ पे अपन अजम अज्यूम कर रहे चीज़ ठीक है जैसे मान लो कि सोडियम एसिटेड मैंने लिया ओके सोडियम एसीटेड ओके मान लो कि वन मोल मैंने वन मोल मैंने पानी में डाला तो एसिटेड आयन मेरे को कितना मिलेगा वेल वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन मोल ठीक है ना बट मै नॉट बी एक्चुअली ट्रू बट दैट्स फाइन अप्रोक्सीमेशन इज द की हियर ठीक है ना अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइट तो यहाँ पे अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो अनायन या कैटायन जो भी रहता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है वो वही कॉन्सेंट्रेशन है जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ओके सो दैट इज बेसिकली योर सी सो के एच अपने को मालूम है अपन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दीज ओके सी इज बेसिकली समथिंग वी नो अब मैं ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये मेरा फॉर्मूला रहेगा ऑल आई नीड टू नो इज सी एंड के एच केच निकालने के दो तरीके मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है इज एंड रेड सो वी कैन कैलकुलेट के और यू कैन यूज़ दिस ठीक है यू कैन यूज़ दिस एंड यू कैन कैलकुलेट द कैच इसके लिए के डब्ल्यू तो वी ऑलरेडी नो ऑल वी नीड टू नो इज़ कैच मतलब के uh, ए अगर मेरे को मालूम है ठीक है जैसे मैंने सोडियम एसिडेड पानी में डाल दिया और मेरे को क्या दिया रहेगा के ए ऑफ एसिटिक एसिड ये मेरे को दिया है और के ऑफ एसिटिक एसिड इज आई थिंक आई डोंट पी के इज अबाउट फोर पॉइंट सेवन बट दैट्स दैट्स फाइन ओके सो ये मेरे को दिया रहेगा के ए दिया है एसिटिक एसिड का मतलब कि uh, ये सोल्यूशन इसका जो सोल्यूशन रहेगा सूडियम इसका पी एच में निकाल सकता हूँ ठीक है उसके लिए क्या करूँगा मैं सबसे पहले तो के ए दिया है तो के एच फाइंड करूँगा फ्रॉम फ्रॉम दिस इक्वेशन के एच फाइंड कर दिया इसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को दिया रहेगा इसका सी मेरे को दिया है समझ में सी दिया है के एच मैंने फाइंड आउट कर लिया तो आई कैन प्लग इट इनटू दिस इक्वेशन फाइंड आउट ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन में उसका नेगेटिव लॉग ले लिया तो पी ओ एच मिल जाएगा पी ओ एच मिल गया तो पी एच मिल जाएगा इस सोल्यूशन का पी एच निकालना मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है बट वॉट विल डू इज विल गेट वन सिंगल इक्वेशन जिसमें सारी चीज़ें आ जाएगी तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अलग से ये नहीं है कि तुमको ये अलग से अलग फाइंड करने पड़ रहे हैं ठीक है ना एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसमें सब कुछ आ जाएगा बेसिकली सो यू जस्ट डायरेक्टली प्लग द वैल्यूज़ इनटू दैट इक्वेशन और uh, ये तुम्हारा पी मिल जाएगा सोल्यूशन का ठीक है सो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू रिमेंबर दैट इक्वेशन दैन ठीक है सो वी नो कि अपना ओ एच माइनस एंड कॉन्सनट्रेशन का इक्वेशन क्या था इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी टाइम्स के एच ठीक है दैट इज आवर इक्वेशन ओके ओज माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन के लिए सो नेगेटिव लॉग ले लेंगे दोनों साइड में ठीक है ये नेगेटिव लॉग ले लिया दोनों साइड में और सॉल्व कर रहे हैं अपन ब्रैकेट को लॉग रूल से ठीक है सो ये अंडर रूट है तो इसका वन बाई टू हो जाएगा इधर सामने में लॉग सी प्लस लॉग के एच ठीक है इसको सॉल्व कर लिया ये ओके एंड देन वी आर वी आर डूइंग द नेगेटिव ऑन बोथ साइड बेसिकली यहाँ पे देखो दिस राइट इज बेसिकली नथिंग एक्चुअली निगेटिव करने की जरूरत ही नहीं है यू जस्ट यू नो री एडजस्ट राइट सो यू डोंट इवन नीड दैट ठीक है यू कैन डायरेक्टली डायरेक्टली वर्क इट आउट या ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस पी ओ एच या दिस इज योर माइनस पी ओ एच राइट और ये के uh, एच है के एच का मैंने के डब्ल्यू वाई के ए यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है ओके okay? देखो सारी चीज़ें क्या आ रही है यहाँ पे सी बी आ गया के एच इन द फॉर्म ऑफ के डब्ल्यू एंड के ए बी आ गया मतलब तुमको अलग से के एच सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसी इक्वेशन में तुम रख के पी ओ एच निकाल सकते हो ठीक है अब इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं बिकॉज वी नीड वी डोंट नीड पी ओ एच वी नीड पी एच इज इट हमको पी एच निकालना है और वी नो कि पी एच प्लस पी ओ एच कितना होता है फोर्टीन ओके मतलब पी एच इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस पी ओ एच सो पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस पी एच ठीक है और फिर ये अपन पी ओ एच की वैल्यू यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं uh, और फिर इसको निगेटिव ले रहे हैं so सो ये हो जाएगा पी एच माइनस फोर्टीन ठीक है उल्टा कर रहे हैं एंड देन ये जैसे कि ही लाया है ऊपर से वेर इज नो चेंज इन देयर सो पी एच माइनस फोर्टीन ये हो जाएगा इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं अपन वी गेट दैट के डब्ल्यू लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के ए अब जो 14 था 14 को इस साइड में ला लिया सो पी एच इज इक्वल टू क्योंकि आपने को पी एच फाइनली फाइन करना है सो so 14 प्लस हाफ ऑफ ओके ये पूरा ब्रैकेट लॉग सी लॉग ऑफ टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन और लॉग के वी नो वॉट द लॉग ऑफ टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन इज बराबर है सो लॉग ऑफ टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन ठीक है दैट इज बेसिकली 14 उसको बाहर ले लिया ब्रैकेट के ओके okay, 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 7 ओके पी एच इज इक्वल टू सेवन प्लस हाफ ऑफ लॉग सी माइनस लॉग के ए ठीक है ना टेन टू लॉक ऑफ के डब्ल्यू अपन ने बाहर ला लिया है ध्यान में रखना सो इट्स बेसिकली गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई टू बिकॉज हाफ ब्रैकेट के बाहर है ना सो so ये हो जाएगा एंड देन बेसिकली दैट इज आवर इक्वेशन या रिमेंबर दिस इक्वेशन दैट इज द सेम इक्वेशन एक्चुअली सिर्फ अपन ने क्या कर दिया है यहाँ पे लॉग um, के ए के जगह माइनस लॉग के ए के जगह पी के ए लिख दिया ओके बिकॉज पी के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के एजेंट सो ये रख दिया है सो पी एच इज इक्वल टू सेवन प्लस हाफ लॉक सी प्लस के ए दैट इज द इक्वेशन यू नीट टू रिमेंबर टू फाइंड आउट पी एच ऑफ सॉल्ट ऑफ कौन सा सॉल्ट रहेगा ये वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस समझ में आया कि वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस का जो सॉल्ट रहेगा उसका पी एच अगर निकालना है तुमको तो पी एच इज इक्वल टू सेवन प्लस ठीक है सेवन प्लस कर रहे हैं ओके हाफ ऑफ ओके हाफ ऑफ क्या लॉक्सी ऑफ लॉग लॉक्सी मतलब लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कायका इसका सॉल्ट uh, का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ओके प्लस पी के पी के का ऑफ एसिड ठीक है मतलब कि इसका सी ले रहे सी ले रहे और इसका ओके okay, इसका पी के ले रहे समझ में आया क्या पी एच ऑफ लॉग ऑफ पी एच ऑफ सॉल्ट ऑफ कौन सा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो सॉल्ट का क्या ले लिया ने लॉग सी ठीक है लॉक सी और वीक एसिड का क्या ले लिया पी के ठीक है जो भी पी के रहेगा वो दोनों को ऐड कर दो ठीक है ये दोनों को सम कर दिया लॉग सी प्लस पी के ए दोनों को ऐड कर दिया ओके इनको हाफ कर दिया और ये जो भी आंसर आएगा उसको साथ में जोड़ दो तुमको मिल गया पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन समझ में आया क्या ध्यान में रखना ये सात से ऊपर ही आंसर आएगा इसका बिकॉज सेवन प्लस ही है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन सेवन तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया अल्कलाइन समझ में आ गया दिस इज अल्कलाइन सोल्यूशन नेक्स्ट जो है दैट इज बेसिकली अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस ओके जैसे एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड स्ट्रांग एसिड और वीक बेस है तो इसका जो सोल्यूशन uh, होता है वो कैसा होता है एसिडिक एसिडिक सोल्यूशन होता है इज इट इट सो यहाँ पे जो कैटायन है ओके विच इज़ दैट उस कैटायन का हाइड्रोलोसिस होगा एंड वी गेट एसिडिक सोल्यूशन अनायन का हाइड्रोलोसिस नहीं होगा यहाँ पे ओके okay? सो um, so, ये सॉल्ट ध्यान में रखना है कि इन दिस इन दिस सॉल्ट कैटायन हाइड्रोलोसिस हैपनिंग एंड दैट्स फॉर द सोल्यूशन इज एसिडिक इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था है अनायन हाइड्रोलोसिस हो रहा था और आपने को सोल्यूशन बेसिक मिल रहा था ओके okay? सो so, यहाँ पे कंसिडर हाइड्रोलोसिस ऑफ सॉल्ट जैसे बी सी एल ले लिया ओके दैट इज द हाइड्रोलोसिस सॉल्ट एंड इसका कैटाइन हाँ, का, का हाइड्रोलोसिस इस तरह से दिखाएंगे एच प्लस एन जनरेट हो रहा है ओके okay. और इसका हाइड्रोलोसिस का इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस तरह दिखेंगे ओके दिस इज द हाइड्रोलोस इक्वेलिब्रियम इक्वेशन है ना प्रोडक्ट कॉन्सनट्रेशन और रिएक्टन कॉन्सनट्रेशन और अगर मैं डिराइव करता हूँ वट वी गेट इज़ अगेन इसको मैं दोनों को ऊपर और नीचे ओ एच माना साइन से मैं ये करूँगा एंड सो वॉट वी गेट इज़ के डब्ल्यू बाय के बी ठीक है के डब्ल्यू बाय के बी अपने को मिलता है जैसा उधर मिला था अपने को के एच इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के ए मिला था ठीक है ना फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है ना सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के लिए अपन के बी यूज़ कर रहे हैं रादर देन के ए मतलब जो वीक बेस है वीक बेस उसका के बी और यहाँ पे के ए फॉर वीक एसिड यूज़ कर रहा है जीजेंट स्ट्रॉन्ग एसिड का तो कोई काम ही नहीं है ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो पूरे पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं तो हम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज़ करना है वो सिर्फ वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए तो कंप्लीट डिसोसिएशन अज्यूम कर रहे हो रही इट सो के ए और के बी ये सिर्फ अपन वीक एसिड या वीक बेस के लिए यूज़ करेंगे रिस्पेक्टिवली ओके okay? और यहाँ पे इसको अगर जैसा अपन ने इसके पहले वाला डिराइव किया था वैसे ही अगर डिराइव करते हैं तो के एच इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी सो ये इस इसका अपन लिख रहे हैं इक्वलीब्रियम कॉन्सनट्रेशन क्या लिखेंगे इसका इनिशियल तो क्या रहेगा इनिशियल इज सी ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम अगर लिखना है तो ये हो जाएगा सी वन माइनस एच ये सी एच एंड दिस इज सी एच ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो गए वो अपन Uh, ये वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम वाले है ना ये वाले इक्वेशन में तो ये अपने को मिलेगा और राइट एंड देन सी सी कैंसिल हो जाएगा और एच इज़ लेस देन वन मच लेस देन वन तो अपने को फिर से वही इक्वेशन मिलता है सी इज इक्वल टू के सॉरी के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर ठीक है तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी दिस इज द सेम इक्वेशन जो अपने को पहले भी मिला था समझ में आया ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन अपने को Uh, इसका पहला वाला जो सॉल्ट देखा था वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला उसमें भी यही इक्वेशन मिला था यहाँ पे क्योंकि के और के भी टर्म नहीं आता इसलिए देर इज़ नो कन्फ्यूजन बेसिकली मतलब किसी भी सॉल्ट के लिए अगर तुमको हाइड्रोलिस निकाल किसी भी सॉल्ट के लिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ठीक है ना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट या फिर वीक एसिड स्ट्रांग बेस का सॉल्ट ठीक है ये दोनों सॉल्ट के लिए अगर मेरे को एच का इक्वेशन लेना है तो यही इक्वेशन है कॉमन इक्वेशन है दोनों के लिए एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी यहाँ पे अगेन एच और सी का इन्वर्स रिलेशनशिप तुमको दिख रहा है के एच इज इक्वल टू एच स्क्वायेर बाई सी ठीक है पी एच इज इक्वल टू सेवन माइनस वन बाय टू लॉग सी प्लस पी के वी ठीक है दैट इज योर इक्वेशन पी एच इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे देखो आ, आ, जो इसके पहले वाला जो इक्वेशन अपन ने दिखा था फॉर दिस इज फॉर um, This is for weak acid plus strong base and this is for strong acid plus weak base, isn't it? Difference देखो क्या आ रहा है, 7 plus half of क्या था log C plus pKa, isn't it? यहाँ पे 7 plus हो रहा है, यहाँ पे 7 minus हो रहा है, यहाँ पे pKa use किया, यहाँ पे pKb use कर। लॉजिकल है ना यहाँ पे वीक बेस के लिए पी के भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे वीक एसिड के लिए पी के सॉरी वीक एसिड के लिए पी के ए यूज़ करेंगे दैट इज ओनली डिफरेंस सेवन माइनस हो रहा है मतलब सात से कम पी एच आएगा इसलिए द सोल्यूशन इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर संग इज दिस क्लियर अंडरस्टूड है क्या सो बेसिकली uh, so uh, यहाँ पे अभी वन रुकेंगे बेसिकली वी हैव सीन इक्वेशंस of hydrolysis for strong acid weak base and weak base weak acid strong whatever right so सीन दिस टू these two salts लिखा है मैंने okay strong acid weak base or weak base weak acid strong base तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोनों इक्वेशन दोनों साइड के इक्वेशन और टूअर्ड द एंड ऑफ दिस हाइड्रोलोसिस डिस्कशन मैंने एक टेबल दिया है जिसमें सारे इक्वेशन एक साथ लिखे हुए हैं बट दे शुडेंट भी एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस ओके इसको कंसेप्चुअली समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है बेसिकली कि हम लोग इस तरह से इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं इनका पी इस तरह से क्यों निकाल रहे हैं कौन से टर्म्स पी के इक्वेशन में यूज़ कर रहे तो थो, थोड़ा दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो और स्टडी करो तो कंपेयर करोगे तो ज़्यादा आसानी से तुमको ध्यान में रहेंगे ओके okay? uh, अगर कोई डाउट हो इस चीज़ को लेके तो पूछ सकते हो इफ़ नॉट देन यूज कैन लीव एन आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू वेरी मच बाय ओके